So hello guys, assalamu alaikum and welcome back to BOP season 12 PUBG Lite Battle of Pro Scrims, जिसको स्पॉन्सर किया है ISSPR इमदाद भाई ने। तो अब हम आ चुके हैं अपने इस प्यारे से रूम में और आज पहला मैच है इस पूरे सीजन का। सो होप सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे टीम्स ने ज्वाइन किया है जिसमें है ISPR 77, जोकर ई स्पोर्ट्स, K9 टीम, K9 टाइगर मुजफ्फर की टीम भी है इसमें, JK की टीम भी है और क्लेशर्स भाई साहब यहाँ पे BB वालों ने भी ज्वाइन कर लिया है, SF की टीम है, ISPR की दूसरी भी टीम है। ये मेरे ख्याल से दो अलग अलग टीम्स हैं, एक ISPR ऑफिशियल है और एक ISPR जो दूसरी है, क्या कहते हैं, ISPR ई स्पोर्ट्स और ISPR ऑफिशियल्स। वालेकुम अस्सलाम अफीफा जैन, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। AJ अब्दुल्ला OP कमेंट्री, थैंक्स ब्रदर फॉर द अप्रिसिएशन। कैसे हो AJ, अपने मैच के लिए भी तैयार हो जाओ। और यहाँ पे किलर ई स्पोर्ट्स के भी आ चुके हैं, किलर डेविल, किलर सैम और किलर क्लोन भाई। थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। ओके सो गाइस, कैसे हो आप सब यार, आप सबका हमारे स्ट्रीम पर वेलकम करते हैं। जो जो भी न्यू है तो काइंडली लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मज़े उड़ाओ इस बहुत ही ज़बरदस्त मैच का। यहाँ पे 36 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं अप टिल नाउ। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टीम में कौन कौन से बंदे खेल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ISPR नवीद, ISPR हक और ISPR कोको और यहाँ पे ISPR RPG, तो ये चारों आ चुके हैं ISPR टीम में जो कि आई थिंक ISPR ऑफिशियल की टीम है। उसके बाद फिर 77 जो कि बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेलती है लॉन्डे, जिसके चार बंदे आए हुए हैं, 77 डेविल OP, 77 क्लोन, 77 तोर और 77 टॉक्सी। यहाँ पे जोकर स्पोर्ट ने भी ज्वाइन कर लिया जो कि ये टीम भी काफ़ी अच्छा खेलती है, बहुत अच्छी डोमिनेशन रही है इसकी थ्रू आउट द कॉम्पिटिटिव मैचेस। इंटरनेशनल देखा जाए या नेशनल देखा जाए, इन्होंने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया है। सो यहाँ पे है जोकर वासी OP, जोकर नकी, जोकर एली OP और जोकर रोकी भाई साहब। स्लॉट नंबर 4 में अभी तक कोई बंदा नहीं आया। ओ ब्रो, एपेक्स के प्लेयर अच्छे हैं मतलब न्यू क्लैन मेंबर्स के साथ? क्या मतलब ब्रो, सब अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे लड़के हैं यार, काफ़ी अच्छे लड़के हैं आईपेक्स में यार। मतलब मैं गेम की बात नहीं कर रहा, मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अखलाक होता है। जिनके अखलाक अच्छे होते हैं फिर हम वेलकम करते हैं, बाद में गेम देखते हैं कि भाई ये बंदा गेम कैसे करता है, क्योंकि अच्छा बंदा होगा तो टाइम भी उसके साथ अच्छा गुजरेगा। यहाँ पे K9 टीम, K9 भी आ चुकी है, K9 प्रो YT, K9 SN OP, K9 शीता OP और K9 नोमी YT, इनकी टीम भी काफ़ी अच्छी है। ये जो गिन चुन के इन्होंने बंदे लिए हैं एक एक जगह से। यहाँ पे कैपरा शाह आ चुके हैं स्लॉट नंबर 4 में। स्लॉट नंबर 5 अभी तक के लिए एम्प्टी है, कोई बंदा नहीं आया। आई डोंट नो ये किस टीम का स्लॉट है, चले देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। टीम नंबर 7 में टाइगर किंग OP, टाइगर समीर YT, टाइगर मुदसर और टाइगर साकिब YT, ये भी काफ़ी अच्छी टीम है, बहुत से टाइम के साथ कंपिटिटिव खेल रही है। टाइगर मुजफ्फर भाई गायब है, वो भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे IQ किंग आ चुका है, IQ की टीम, IQ बिल्लो भी आ चुके हैं स्लॉट नंबर 5 में। आहिस्ता आहिस्ता स्लॉट फुल होती जा रही है और 44 बंदे हो चुके हैं, 44/60। ओके यहाँ पे स्टिल 16 बंदे मिसिंग है जो कि होप सो जल्दी आ जाएंगे। कैपरा के दो बंदे आ चुके हैं, कैपरा शाह और कैपरा अर्शिद। IQ के दो बंदे आ चुके हैं, IQ किंग और IQ बिल्लो भाई साहब। यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 में अभी तक कोई नहीं आया, स्लॉट नंबर 9 भी एम्प्टी है और टीम 10 में है JK लेजेंड, JK वैम्पायर और JK बीस्ट। वालेकुम अस्सलाम 1 मिलियन गेमिंग, बिग फैन ब्रो, बिग फैन, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। गाइज जो जो भी न्यू है स्ट्रीम को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, अपना प्यार दिखाओ यार, इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी स्ट्रीम्स आपके लिए लेके आएंगे, आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। 1 मिलियन गेमिंग ब्रो, कैसे हैं आप? यहाँ पे BB की टीम आ चुकी है जो कि ये भी एक बहुत अच्छी टीम है, BB क्लच गॉड, BB चार्ली, BB जक्सी और BB स्काउट, ये लोग भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। JK वाले भी अच्छा डोमिनेशन दिखाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव
जो भी इनका मैचेस होते हैं। टाइगर मुजफ्फर हेयर, बट मैंने क्लाइंट लेफ्ट कर दिया फिलहाल। अरे ब्रो आपने क्यों लेफ्ट कर दिया, आप ही का तो क्लाइंट था यार, आप लीड कर रहे थे इतने अरसे से, आप टाइगर क्लाइंट के साथ थे। अच्छा मुजफ्फर भाई ये बताएं, अभी कौन सा क्लाइंट आपने ज्वाइन किया है और कंपिटेटिव खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, ये बताएं हमें, बताएं यार, ऑडियंस जानना चाहती है कि आपके क्या सूरत हाल है आजकल, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्लैशर, क्लैशर की टीम भी है सामने जो कि बहुत ओपी टीम है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इनके साथ खेल चुका हूँ, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे हमारे और स्टिल काफ़ी अच्छा मतलब ताल्लुक है इनके साथ। यहाँ पे है एआर क्लैशर भाई साहब, ओपी क्लैशर, अजीम क्लैशर और एलोन क्लैशर, सारे अच्छा खेलते हैं। इसके बाद एसएफ अदनान, एसएफ वीर वाईटी और एसएफ पिकाचू, ये भी अच्छी टीम है। ऑल्दो इन्होंने ज़्यादातर कम्पिटिटिव नहीं खेला लेकिन फिर भी ये अच्छा परफॉर्म करते, एक दो दफ़ा मैंने देखा है इनको। मिस्टर पांडा ब्रो वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, थैंक्स ब्रो, आईडी एंड पास। अरे ब्रो ये कस्टम रूम नहीं है, ये हो रहा है हमारा बीओपी बैटल ऑफ प्रो स्क्रिम्स, जिसका सीज़न 12 स्टार्ट हो चुका है और ये सबसे पहला दिन, सबसे पहला मैच और सबसे पहली स्ट्रीम आप सबके सामने। इंशाल्लाह जब कस्टम रूम स्टार्ट करूँगा ना पांडा ब्रो, फिर इंशाल्लाह आपको देंगे, चांस देंगे, आपको खिलाएंगे यार, आप ही के लिए बनाएंगे कस्टम रूम्स और आप लोगों को ही खिलाएंगे। किलर सैम वाईटी वेलकम टू लाइव स्ट्रीम ब्रो, कैसे हो आप बिग बॉस? हाँ जी बिग बॉस। यहाँ पे ISPR e-sports जो इसमें है, ISPR शेरी, ISPR डेंजर, ISPR बुलेट और ISPR हसीब, क्योंकि मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है ना कि ISPR e-sports कौन सा है और ISPR ऑफिशियल कौन सा है, तो ये दोनों भी अच्छा खेलते हैं, दोनों अब कन्फ्यूजन है कि कब सही होगा। और यहाँ पे द वन एंड ओनली किलर e-sports, किलर डेविल, किलर सैम और किलर क्लोन, किलर अजीम जो कि चले गए इस क्लाइन से, तो अच्छा खेलते हैं यार ये लोग भी, काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं। डोमिनेशन इसका काफ़ी अच्छा रहा है, जो भी मैंने टीम्स बताई है ना कंपिटेटिव में जो डोमिनेशन शो करती है ना वो अच्छी टीम लगती है। प्लेसमेंट पॉइंट तो मैं भी निकाल लेता हूँ, हर बंदा निकाल लेते हैं, लेकिन किल के मामले में जो अच्छा परफॉर्म करता है ना, किल्स निकालना बेसिक अच्छी चीज़ होती है ना, जो बंदा किल्स निकाल पाता है वो कुछ भी कर सकता है। क्लाइंट ज्वाइन नहीं किया और बैक आऊँगा बट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा क्लाइंट से, जब टूर्नामेंट होता तो सिर्फ 3 बंदे आते थे, तो मेरे निकल जाने के बाद अब देखो 4 आए हैं। मतलब इनकी आपके साथ ही दुश्मनी है। चलो यार मैं, मेरी तो यही दुआ है कि आप दोबारा से आओ, दोबारा से अपना जो टाइगर अंपायर है वो खड़ा करो और फिर दोबारा से अच्छे से परफॉर्म करो। अभी ब्रो क्या हाल है जानी, नूरुल हुदा खान आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो। राइडर X2 ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हो। किलर सैम वाईटी ब्रो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़बरदस्त, आप बताओ घर पे सब कैसे हैं और कैसा जा रहा है आपका पबजी मोबाइल लाइट। मैंने किलर इस घंटू किलर सैम की वजह से लिफ्ट किया। वाई ब्रो क्यों, क्या मसला था, क्यों लेफ्ट कर दिया आपने, किलर तो अच्छा क्लाइंट है, मस्त हो जाने, गुड ज़बरदस्त। X2 ब्रो इतने दिनों बाद यार आप तो बिल्कुल हमें भूल गए हो, कहाँ पे हो। यहाँ पे कैपरा क्लोन आ चुके हैं, ISPR का एक बंदा फिर से गायब हो गया है और यहाँ पे IQ किंग, IQ क्रिश ओपी, IQ हमजा और IQ बिल्लो भी आ चुके हैं। IQ की टीम पूरी है और टाइगर की टीम पूरी हो गई है, K9 की टीम पूरी हो गई है, कैपरा का 1% मिसिंग, जोकर वासे की टीम भी पूरी हो गई है और इंशाल्लाह जाने आएंगे बैक। अभी बस देखने आया क्या गेम खेलते हैं लोंडे जी। ब्रदर इंशाल्लाह सबके लिए गुड लक है, उम्मीद है कि सब अच्छा गेम करेंगे। मेन चीज़ जो होती है ना कंपिटेटिव में, वो आपकी जो होती है ना स्ट्रेटजी होती है और आपका टीम वर्क होता है, जितना आपका टीम वर्क अच्छा होगा उतना आप एक अच्छे स्पॉट पे लेके जाओगे, इतना गेम ज़्यादा वो मैटर नहीं करता जो मेरे हिसाब से है, जितना मैं खेला हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है। जानी वक्त नहीं मिलता और यूरोप नहीं खेल पाता पिंग की वजह से, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाते। अरे ब्रो कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आपकी भी पिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन यूरोप में यार इंडिया में भी इतनी कोई ज़्यादा पिंग तो नहीं आती, वही 160-180 इतने तक आती है, हमारी भी यूरोप में इतनी आती है, एशिया में फिर आ जाती है 110 और 120। चलो गाइस हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ बैटल ऑफ प्रो स्क्रिम्स, चलो इन्जॉय करते हैं फिर ये मैच। चलो मुजफ्फर भाई आपका इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे कैपरा अर्शद पे आ चुका है हमारा ड्रोन कैम,
देखते हैं हमारा पाथ कहाँ पे बनता है, प्लेन का पाथ। चेकर एल ए ओ पी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ थैंक्स ब्रो, यहाँ पे सारे चलांगे मारते हैं इधर। यूरोप 200 प्लस होता है। अच्छा चलो वो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ओ हो वैसा अच्छा कमन डाउनलोड में ऊपर से बना था ठीक है। सभी पकिंग और नहीं प्लेयर अच्छा है इसलिए निकाला था ये टीम में। टीम नहीं करते प्लेयर के लिए जाने जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। टीम में लोगों में मत जाए दो मैंने पहले में यही बात किया ना कि आपकी जो मैच है ना वो बंदों से नहीं जीता जाता, आपकी टीम वर्क से जीता जाता है। सो इंशाल्लाह यार कोशिश करो, अल्लाह बेहतर करेगा, आपकी टीम वर्क इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे यार व्हाट हैपन टू द स्ट्रीम, पबजी मोबाइल लाइट के ग्लिचेस मुझे नहीं पसंद गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स इन कैबिन 41 यहाँ पे चढ़ भी चुके हैं। गेम साउंड बंद कर दो। ओके थोड़ा सा लो कर देते हैं ना, यूआई मास्टर भी कम कर देते हैं। बड़ा तक हमारा गेम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ लॉल। यार स्ट्रीम का ग्लिच मुझे समझ में नहीं आता, ये क्यों पबजी मोबाइल वाले ऐसे करते हैं, पबजी मोबाइल लाइट वाले। अच्छा यहाँ पे आ चुके हैं K9 टीम के पास। ये कहाँ पे उतरे हैं IQ वाले, यहाँ पे सेंट्रल लोड उतरे हैं। ISPR वाले भी सेंट्रल लोड उतरे हैं। टाइगर मुजफ्फर की टीम और यहाँ पे कैप्रा वाले यहाँ पे उतरे हैं। कैप्रा शाह ने यहाँ पे टाइगर किंग ओपी को डाउन कर दिया गाइस। कैप्रा का वार बारी है इस बार, देखते हैं क्या टाइगर वाले और टाइगर साइकिम वाइटी भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टाइगर किंग ओपी भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टाइगर बहुत मुश्किल में है इस टाइम। टाइगर साइकिल पार्टी खत्म। FS क्लैशर ब्रो वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। शानी ब्रो वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। लो कर दो बस। हाँ जी लो कर दिया, आवाज़ सुनी सुनाई लग रही है। अरे ब्रो मैं आप ही का बंदा हूँ हमारी आवाज़ नहीं पहचानोगे तो किसकी पहचानोगे। यहाँ पे टाइगर समीर वाइटी भी यहाँ पे हो चुके हैं खत्म। गाइस मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमेशा ग्लिच होता रहता है। यहाँ पे ऐसे फरनान भाई ने ISPR नवीद को डाउन कर दिया। ISPR कौन सा है इसका यार, ISPR के बंदे ने डाउन कर दिया उनको। और यहाँ पे कैप्रा बाजी लेके जाते हुए, कैप्रा शाह के पास 2 किल और कैप्रा अर्शद के पास 2 किल। यहाँ पे टाइगर की टीम फुल डाउन हो चुकी है। ISPR RPG ने अदनान भाई को नॉक कर दिया। रिस्टार्ट कर लें। हाँ ब्रो रिस्टार्ट कर लेते हैं फिर देख लेते हैं क्या बनता है। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा ना भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। रीस्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास स्टिल स्ट्रीम तो लाइव ही है ब्रो। ये ग्लिच है नहीं सही होगा। अरे ब्रो हर दफ़ा करते हैं, हर दफ़ा ये ग्लिच आ जाता है। पबजी लाइट वालों से बात करनी पड़ेगी कि आप अपनी बाजी कहीं और पेश करो ना यार, हमें तो अपनी स्ट्रीम करने दो टूर्नामेंट वगैरह की। अच्छा गाइस जो जो भी न्यू है स्ट्रीम पे लाइक करो सब्सक्राइब कर दो यार, आपके भाई का ही चैनल है, जल्दी जल्दी 1K कराओ। सुनाओ फैसल यार किधर गए हो, आपका तो कुछ अता पता नहीं है यार। पहले तो गेम हो जाती थी, अब तो गेम भी नहीं होती क्योंकि डिवाइस का बड़ा इशू था यार। उसके बाद मैंने जब डिवाइस चेंज किया तो इस पर अब ग्राफिक्स ग्लिच है, इनका कोई बग है जो कि उस पर तो 90 FPS देता है पबजी मोबाइल में, स्मूथ और 90 FPS उस पर बड़े मज़े की गेम होती है, लेकिन पबजी लाइट पे नहीं हो रही सही मज़े की। अच्छा यहाँ पे BB की फाइट आ चुकी है, K9 और BB की फाइट। K9 ने BB स्काउट को ख़त्म कर दिया, जक्सी ने K9 शीदा को मेरे ख्याल से, और यहाँ पे K9 प्रो भी चला गया। लगता है इसमें K9 का खात्मा हो गया मुझे जितना लगता है अभी तक के लिए। ये आप चेंज करो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, दूसरे पे स्ट्रीम करो। अच्छा अब सही हो गई है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं अभी सही। बीबी चार्ली ओपी गाइस, बीबी ओपी। बीबी ने K9 टीम ख़त्म कर दी, बहुत ज़बरदस्त।
ब्रो ओनली टारगेट से भी करते हैं, उसका भी थोड़ा सा इशू है मेरे ख्याल से। स्ट्रीम तो सही होगी। नहीं नहीं भाई अभी एक सही भी नहीं आज होगी, क्यों एक नहीं खेल रहा? दूसरे के अंदर ही जा रहे हैं भाई। क्या गलत सीन है भाई, क्या गलत सीन है। वो इस टाइम जशन के साथ खेलते हैं क्या कह यार। रहे हैं? जशन तो आ गई, मैंने जशन को बोला पुनीत को बुलाओ, कि हाँ उनकी आपकी और से जरूरत नहीं आवाज़ आ है। रही है, पता तो नहीं वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे MSP 400 है, चलते हैं हमने ड्रोन इसको किल। कहाँ से क्योंकि कहाँ अभी तक गन का बुलाया, हमें कुछ नहीं नजर आना। और ये गाइस मैं आपको किल फीड से ही बताता जाता हूँ कि क्या सीन चल रहा है। किलर वाले के पास चलते हैं। किलर वाले क्या कर रहे हैं? इनके तीन बंदे हैं सिर्फ, कैप किलर क्लोन, किलर सैम और किलर डेविल, जिनके पास अभी 0-0 किल है। और 77 के पास चलते हैं। आग मिल जाएंगे। फिर 77 आ जा भाई। तू हमें कहाँ लेके गए? कोई अच्छा 77 वालों के भी भी चार नहीं, बंदे हम हैं जीत गए। जिनके पास अभी 0 किल है, इन्होंने भी फाइट नहीं ली। ISPR हाँ वालों ने फाइट ली थी, जिनके खाते में 2 किल आए हैं अभी तक। दो बंदों को ख़त्म कर चुके हैं और बाकी का पता नहीं है कि ये हाँ किधर है। ब्रो ये किसी ऐप का टाइम पे तो ही नहीं मसला आते। है, वो डेविल इसका कमीने कोई को तो मैंने मसला बुलाया है। लेकिन वही वो नहीं बात आया। वीर यार, मैंने जितना तो ही मतलब ले बहुत सकते सीरियस हो में बस ट्राई सिर्फ किए थे। हील जब ढूंढो, स्ट्रीमिंग करते और थे ना कुछ तो तब आपको लेने ग्लिच की हो जाता, जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट हर मैच ग्लिच होता था। तो हम फिर क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल जिस आईडी से लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी उससे गाजर भी मतलब नहीं रूम आया, बनाते वो थे भी ना, नहीं आया। तो वो भी ग्लिच होता था। फिर मैंने कहा कि चलो एक से रूम बनाएंगे और अगले से दूसरी आईडी से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, आज फिर भी क्या ग्लिच होता था। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो फिर अब क्या है कि ऐसे ही देखते इसको रहो, देखो एंजॉय करते रहो, वे फुल ये टप टप लाइफ करके। लाइफ वो देखो। हाँ वो बंदे कोई समझ नहीं आती यार इनकी। चलते हैं जोकर वाले की गए तरफ, ये कहाँ पे लैंड हुए हैं? ये जॉन मेरे ख्याल से वहीं गए हैं, क्या कहते हैं, दी कहाँ हो उस गया। जगह का वे फिर अपने जो गाड़ी के बिल्डिंग पास है यार, जाओ, प्यारी प्यारी बिल्डिंग है। जब लास्ट वाला जोन शुरू हाँ हो गए ये जो ना जगह है, इधर ही गया, मुझे पता था, तभी पायलट प्लाजा। जोन तो में ये जो जोन जाना। में मूव इन कर रहे हैं अभी तक के लिए, जोकर वहाँ से ओपी बहुत अच्छा करीब जा आपके तो चुके हैं इरादे 77 बहुत वालों के। लंबे। लगता है आज सीन खराब होने वाले हैं। मेरे साथ भी यही सीन। हाँ ब्रो सबके साथ हो रहा है। टी एफ कॉफिन ब्रो, किश्ती आप में क्यों हंस रहे जाओ, हो? बोट में मतलब करके जाओ, क्यों हंस रहे तेज हो करो, मजे अभी? ये करो। क्या हो आज रहा है? तुम आज तो आपके हाथ जोकर वहाँ से खुले, ओपी जो भी भी यहाँ पे करना है खेल कर ही रहे लो। हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आ गए थे ना। वो क्या हो रहा है भाई? बैंडेजेस ये आ रहा कितने है हैं? सामने। अभी तक किल फील्ड में कुछ नहीं शो हुआ हमें, बट स्टिल लेट्स सी ओ जा यार, क्या तू कर आ पाते जाके हैं लूट करो जोकर ना वहाँ यहाँ से पे, क्या यहाँ पे ओपी। कुछ नहीं है। 77 सामने है, 77 और दूसरी साइड पे हैं जोकर ई स्पोर्ट्स। 77 देखो, हाँ भाई दिखा रहे हैं, आराम से आराम से, बट डराओ नहीं, बेचारा अकेला है। भाई अच्छा क्लोन इधर है यार, तो ये वाला गन ये लो, तो अपनी टीम से बहुत दूर है। वो अच्छा S6 यहाँ पे लो, किलर डेविल ने जो ISPR एमओ। हसीब को डाउन कर दिया है। ISPR हसीब, किलर क्लोन ISPR बुलेट को डाउन कर दिया। किलर डेविल ने हाँ ISPR शेरी को डाउन पलट कर गया, दिया है, शेरी जिनका गया। एक बंदा बच गया सिर्फ। द वन मैन सर्वाइविंग अगेंस्ट। हसीब अरे गया, भाई साहब कही, ISPR की टीम शेरी चली गई। फिनिश, किलर बुलेट वाले ने अच्छा क्लच किया, 3v4 करके खत्म कर आपको दिया मारा। ISPR वाले को। जोकर ओपी ने की गया, सेकंड जोकर राउंड वो में सिर्फ जोकर वहाँ गया, से ओपी को ले लिया। किलर डेविल को किलर काफी डेविल आसानी गया, मिली है 77 किलर तोड़ के। डेविल तोड़ गया, एली ओपी 77 क्लोन को भी लेके जा चुके हैं, और जोकर यहाँ पे तो। डेविल ने नॉक कर दिया। और यहाँ पे सेवेंटी हाँ सेवन फुल ख़त्म भाई साहब, फुल ख़त्म नहीं है, खैर एक बंदा रहता है। जोकर नकी यहाँ पे चला गया, मौत के घाट उतर गया भाई साहब। जोकर नकी यहाँ पे जा चुका है, उठाओ और उठाओ, यहाँ मजे पे करो, किलर उठो सैम को उठो। भी नॉक कर दिया कैप राशिद ने। जोकर रोकी ने 77 डेविल ओपी, 77 तोर, 77 क्लोन, और यहाँ भाई पे अभी ना 77 लगाओ, अभी ना पॉक्स ही लगाओ लेके यार, खत्म टाइम जोकर रोकी के हाथों। है कैप्रा अभी क्लोन, आपके यहाँ पास। पे किलर क्लोन ने कैप्रा क्लोन को डाउन कर दिया, अभी जहाँ पे जोकर वाले अच्छा खेले। यहाँ पे किलर वालों का भी सफाया होता होगा कैप्रा ई स्पोर्ट्स की तरफ से। वेल प्लेड कैप्रा ई स्पोर्ट्स, वेल प्लेड जोकर ई स्पोर्ट्स। तो चले यहाँ पे अभी बेस्ट टीम सामने आएगी, जो भी मतलब अच्छा खेलेगी उसके पास चिकन जाएगा। जहाँ पे स्टिल हमारे पास BB अलाइव है, जोकर वाले अलाइव फिर है, हील 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 JK, हील करो। IQ, कैप्रा, जोकर ई स्पोर्ट्स, ISPR ई स्पोर्ट्स, क्योंकि बाकी सब तो चले गए हैं भाई, सब चले गए अपने घरों को वापस। इनके पैसे पूरे हो गए और इनके अभी रहते हैं। फिर तो यहां से चलते हैं कि भागो, चिकन किसके पास जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स अंदर पड़ी थी। हील 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 हील। हेलो गाइस, कैसे हो ऑल वालों?
हेलो गाइस, चाय पी ओए लो। क्या हाल है जनाब। मैं ठीक भाई, आप कौन हो? पहले आप बता दे, अभी आपका कौन बातें प्लान कर रहा कौन है? सा है? आपका आई सी आर क्लेन वाले हो तो नहीं? हेलो गाइस, चाय पी नहीं लो। मैं जोकर वासे हूँ भाई। चाहिए वैसे अभी आप जानू जिंदा हो? नहीं भाई, मैं मर गया हूँ। अच्छा, ये ऑल पे है भाई। कौन मर गया जिंदा है होगी क्या करोगे? यहाँ पे अलोन हाँ क्लेश ना, में आई वो सी आर तो वैसे कोको को भी डाउन कर दिया नेट के द्वारा। आइस प्लेयर वहीद भी यहाँ पे, अजीम क्लैश में भाई आइस भाई प्लेयर आप वहीद कौन हो को आप? फिनिश कर दिया भाई साहब। बहुत ओपी फाइट चल रही है। आइस प्लेयर आरपीजी भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एयर क्लैशर का बढ़िया स्प्रे वो टॉमी, वो भाई साहब गए सब। आइस प्लेयर भी फिनिश, अजीम क्लैशर, आइस प्लेयर नवीद को लेके जाते हुए, और दिस इज़ द फाइनल किल। बट यहाँ पे जेके वाले थर्ड पार्टी करते हुए ओपी क्लैशर को यहाँ पे डाउन कर चुके हैं। ओपी ग्लेशियर डाउन हो गया और बाकियों की भी हेल्थ काफ़ी लो है, तो चले चलते हैं उनकी तरफ कि वो क्या कर पाते हैं। जेके वाले डायरेक्ट रश मारेंगे मुझे जितना लगता है। अजीम क्लैशर की हेल्थ कम है, ओपी क्लैशर की हेल्थ जा रही है। इसको जल्द अज जल्द रिवाइव करना पड़ेगा गाइस। जब तक रिवाइव नहीं होंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे एआर क्लैशर की हेल्थ भी कम हो गई है। जोन क्लोजिंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ओपी क्लैशर को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है। हाँ, क्लैशर इज ऑलवेज ओपी ब्रो। क्लैशर इज लॉर्ड, अच्छा यहाँ पे अब जोकर की टीम बाकी है, कैपरा की टीम बाकी है, आईक्यू की टीम बाकी है, जेके, बीबी, एआर और एसएफ वीर वाइट ही एक बंदा सरवाइव कर रहा है, बाकी सब सारे मर चुके हैं। तो चले चलते हैं बीबी वालों की तरफ, ये कहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये भी थर्ड हिल में है। बीबी चार्ली के पास 3 किल, जक्सी के पास 1 किल और क्लच गॉड के पास अभी तक के लिए 0 किल। यहाँ पे आईक्यू वाले के एक बंदे को लेके जा चुके हैं, जोकर रोकी। आईक्यू बिल्लो को भी लेके जा चुके हैं। यहाँ पे 1v2 करते हुए 2 बंदे अलाइव वर्सेस 3। एली ओपी ने आईक्यू किंग को नॉक कर दिया। सही है भाई, 1v4 होने वाला है। 1v4 कैसे करोगे आईक्यू वाले भाई? चलो यार ले के चले गए। आई क्यू किंग, आई क्यू बिल्लो, आई क्यू क्रिश ओपी और आई क्यू हमजा यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। आई लव यू टू कॉफी भाई, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। अच्छा, ये जक्सी किसको फायर दे रहा है? अब हमें तो नज़र नहीं आ रहा, इनको ही नज़र आ रहा होगा किसको फायर दे रहे हैं। यहाँ पे आखिरी जोन कहाँ पे बनता है? थर्ड हिल इनके पास जोन है, बीबी के पास जोन है, क्लैशर भी आउट ऑफ जोन है, ओपी क्लैशर, क्लैशर वाले भी आउट ऑफ जोन है, कैपरा वाले बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके हैं, जोकर वाले भी पहुंच रहे हैं जोन में। जोकर नकी अभी सबसे पीछे है, पता नहीं ये कब पास पास आएंगे। एक दूसरे के पास आओ और मोहब्बतें बढ़ाओ, सिंपल सा स्कीम है भाई। बट यहाँ पे पबजी लाइट में क्या होता है कि यहाँ पे मोहब्बतें नहीं बढ़ती, यहाँ पे बस एक दूसरे को मारा जाता है। अब लास्ट सर्कल में यहाँ पे बीबी जक्सी को जेके वैम्पायर का एक पट्टे सा हेडशॉट पड़ते हुए और नॉक करते हुए बीबी जक्सी को यहाँ पे चार्ली और क्लच गॉड के सर पे आ जाता है सारा का सारा बार। देखते हैं वो क्या कर पाते हैं, रिवाइव दे पाते हैं या जोन को प्रेफर करते हैं। खैर, जोन तो इनके काफ़ी करीब है, लेकिन क्लैशर वालों को थोड़ा मसला होगा जोन में आने के लिए। क्लैशर वाले भाई जल्दी आ जाओ मेरा भाई। हाँ जी भाई, कॉफिन भाई सुनाओ। यस फीफा जैन, आप क्यों हंस रही हैं? कैपरा वाले सेंटर पकड़ चुके हैं, जो एक ही अपार्टमेंट है यहाँ पे, छोटा सा घर है, छोटा सा कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे होल्ड कर लेंगे इजीली और मैक्सिमम चांसेस हैं कि चिकन भी निकाल पाए। किलर सैम दोस्त है आपका? अरे सारे दोस्त हैं मेरे, सारे को डिलाइट के मेरे के दोस्त हैं हमारे, सब के सब भाई हैं हमारे, दोस्त हैं हमारे। आप भी दोस्त हैं, बाकी भी दोस्त हैं। तुम बुला ना सकोगे मैं चीज़ हूँ। बीबी जक्सी ने यहाँ पे अजीम क्लैशर को डाउन कर दिया है। अजीम क्लैशर यहाँ पे
एड़िया रगड़ते हुए यहाँ पे घुटनों पे आ चुके हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे एयर क्लेशर भी घुटनों पे आ चुके हैं। जोकर रॉकी की थर्ड पार्टी जोकर एलएओपी यहाँ पे चले गए हैं जोन से। कैपरा अर्शिद ने अजीम क्लेशर को यहाँ पे यार अत्याचार हो रहा है क्लेशर वालों के साथ। बीबी चार्ली बीबी क्लच गॉड को यहाँ पे जेके लेजेंड ने डाउन कर दिया और कैपरा क्लोन को जेके लेजेंड ने डाउन कर दिया। सही है भाई गुड, इन्होंने बहुत सारा स्मोक कर दिया, सिगरेट विगरेट जला दिया इन्होंने। तो देखते हैं क्या ये सरवाइव कर पाएंगे एक स्मोक वॉल्स के द्वारा। यहाँ पे यार क्लैशर वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है, तीन टीमों ने मिलकर मारा भाई साहब, बल्कि नहीं चार टीमों ने। कैपरा क्लोन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, किल कंफर्म कर चुके हैं जेके लेजेंड भाई। अफीफा जैन आप कहाँ पे गायब हो जी, क्या ड्रामा चला है समझाओ प्लीज़। रिकॉर्डिंग वाला कौन सा ड्रामा ब्रो, कौन सा रिकॉर्डिंग वाला? अच्छा पीओवी वाला सीन बता रहे हो, पीओवी वाला ये सीन है कि अपनी जो गेम प्ले है वो आपने रिकॉर्ड करनी है, यूजर को पकड़ा जाए जो भी मतलब फाइल यूज़ करते हैं, कम गोलियों में ज़्यादा बंदे मारते हैं। बीबी जक्सी ने यहाँ पे कैपरा अर्शिद को डाउन कर दिया, जबकि बीस्ट को यहाँ पे क्लच गॉड ने डाउन कर दिया। अब सारा सीन आ जाता है कैपरा शाह पे, क्या कैपरा शाह सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी गाइस। यहाँ पे कैपरा अर्शिद फिनिश हो चुके हैं। सही है सही है, चलते हैं जेके वैम्पायर के पास। क्या चल रहा है भाई, बीस्ट को रिवाइव मिला कि नहीं मिला? अच्छा अभी तक मेरे ख्याल से मिल चुका है, अब देखते। अरे नेट कहाँ पे जा रहा है लॉल, यहाँ पे स्मोक में एक नेट गया छोटा सा, दूसरा नेट भी गया। ओपी क्लैशर यहाँ पे जिंदा थे और उनको भी ले गए भाई। भाई जिसके पास गुड डिवाइस नहीं होगी तो फिर उसकी तो फिर समझ गए आप। बीबी जक्सी ने यहाँ पे जोकर रॉकी को भी नॉक कर दिया हेडशॉट से, व्हाट अ हेडशॉट ब्रो। जेके वैम्पायर को एक किल मिलता हुआ बीबी चार्ली का, जेके लेजेंड बीबी क्लच गॉड को कैपरा शाह बीबी जक्सी को लेके जाते हुए। अभी कैपरा और जोकर मेरे ख्याल से रह चुके हैं और यहाँ पे मैच एंड हो चुका है। कैपरा शाह को भी मार दिया गाइस, यहाँ पे जेके वाले काफ़ी अच्छा खेले हैं विथ 4 kills और 9 kills कैपरा वालों के पास, बीबी के पास 7 kills, जोकर वालों के पास 10 kills और क्या है यहाँ पे 5 kills हैं क्लैशर वालों के खाते में आते हुए, और आईक्यू वालों के पास सिर्फ 1 kill और 2 kills आईएसपीआर वालों के पास, एसएफ के पास 0 kill, 4 kill किलर वाले के पास 2 kill, 77 वालों के खाते में आते हुए। आईएसपीआर जो ई स्पोर्ट्स है मेरे ख्याल से उनके पास 0 kill और 1 kill K9 वालों के पास, और टाइगर वालों के पास भी 0 kill। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट मैच भी आ रहा है उसमें अच्छा परफॉर्म करना, जो कि गंदा परफॉर्म कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मज़ीद तैयारी के साथ आओ नेक्स्ट मैच में और फिर अपने जलवे दिखाओ। और पबजी लाइट वालों तो मैं खुदा का वास्ता है कि अपनी जो है ये ठीक कराओ, अपना एक ग्लिच ठीक कराओ। मैं तो 5-6 months से स्नैपड्रैगन 865 वाला मोबाइल ले रहा हूँ भाई। तुम ले रहे हो और अभी तक लिया नहीं है तुमने, कितने साल तक चलेगा लाइट? अबे भाई कुछ पता नहीं है ब्रो, 2 साल तक चल सकता है, 3 साल तक चल सकता है। अब मैंने ये डिवाइस लिया ना, ये 865 है स्नैपड्रैगन, ग्राफिक्स चेक कर लो भाई, एल लगे हैं ग्राफिक्स के, बैलेंस और अल्ट्रा पे खेल रहा हूँ जो कि बिल्कुल दिल ही नहीं करता खेलने को, फिर इसीलिए पहले चेक कर लो कि उस पर पबजी लाइट के ग्राफिक्स सपोर्टेड है कि नहीं है। अभी इसका मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स हो जाए ना, तो फिर इंशाल्लाह मज़े आएंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:25 हो रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट आईडी पास में आने वाला है। तो गाइस 2 मिनट ज़रा सब्र तो करो, थोड़ा सा हम कर लेते हैं शील्ड यहाँ से ऑन कर लेते हैं और मैं ज़रा आईडी पास चेक करके आता हूँ। शील्ड तो हमारे पास वैसे भी ऑन है। वी ओनली सपोर्ट लैंडस्केप मोड राइट नाउ, स्विच टू लैंडस्केप टू सी स्ट्रीम चैट्स डोनेशन एक्सेट्रा। भाई हमें तो डोनेशन नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, हमें तो सबका प्यार चाहिए।
ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। गाइस अभी तक आईडी पास नहीं आया हुआ, तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट आईडी पास का। बैटरी चेक कर लेते हैं, 48 राइट नाउ, 48 की बैटरी रह गई हमारे पास, और यहाँ पे लाइट भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा आ चुका है मुर्गा, चिकन डांस। चिकन डांस तो नहीं है अपने पास, ये वाला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रहा वो। हेलो, हाँ जी ब्रो, चल दे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा। हेलो, अरे कतले, हेलो दर्जी, आवाज अलीशा। हाँ हसनैन, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाओ? ओ भाई, लॉन्ग टाइम ब्रो। अरे ब्रो, स्ट्रीम कर रहे हो क्या? हाँ स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा ना कि कैसी आवाज डबल डबल आ रही है। अच्छा डबल डबल आ रही है। अच्छा मेरे पास तो एशिया सर्वर है। हाँ शेडो को बुलाते हैं एक मिनट। अभी वैसे भी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ यार, टूर्नामेंट चल रही है ना। It's a long time. अच्छा फ्री होके खेलते हैं चिकन गैंग ब्रो। गैंग बोलते हैं पब्लिक। क्या नाम है आपकी डिवाइस का ब्रो? मेरी डिवाइस का है शाओमी MI 10T, शाओमी मी 10T कहते हैं सिंपली। बट यार अल्तमास मलिक, अगला मैच कब स्टार्ट होगा ब्रो? अभी थोड़ी देर तक स्टार्ट हो जाएगा, मैं चेक करता हूँ टाइमिंग कि टाइमिंग क्या है। ओके गाइस, कहाँ पे है हमारा BOP? तो मैं गाइस चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है भाई। अच्छा ये हमारा नेक्स्ट मैच है, अभी 7:30 पे शुरू हो जाएगा, 7:30 पे आईडी पास आ रहा है, तो ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट गाइस, अभी आ जाएगा आईडी पास, अभी आ जाएगा। जो गाइस न्यू है ना यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ, ताकि फुल टपाटप स्ट्रीम कर सके ना। अभी बस आ जाएगी यार आईडी पास, 2 मिनट है आने वाला है, मैं तब तक अपनी गेम ना रिस्टार्ट कर लेता हूँ। क्या पता हमारा ये ग्लिच जो है ये फिक्स हो जाए और हम मज़े से थोड़ी स्ट्रीमिंग कर सके। मतलब 7:30 पे आईडी पास आएगा तो 7:40 तक स्टार्ट हो जाएगा, 10 मिनट होते हैं ना ज्वाइनिंग के लिए। आप कौन सी टीम से हो? अल्तमश मलिक, अल्तमश मलिक ब्रो, आप कौन सी उससे हो? लेजेंड्स लेट फोन है भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बिग ब्रो भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? बिग फैन भाई, ठीक यार। अरे ब्रो आप सुनो, क्या बिग फैन? अच्छा गाइस आप अभी खेल रहे हो? गाइस आप अभी खेल रहे हो? जी खेल रहे हैं। हाँ वो असल में मैं ना टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद खेलते हैं, वो खत्म हो जाए ना, तो आप मोटू के साथ खेलो फिलहाल। कौन सा टूर्नामेंट आप? ये बैटल कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? सीजन 12। जी जी ब्रो, गुड हो गया। हाँ आप लोग खेलो ना, फिर मैं बाद में आप लोगों को ज्वाइन कर। रजिस्ट्रेशन का अगली दफा कब होगा? एक मिनट ये तो बता दे। ये जब एंड हो जाएगा ना, हफ्ते
दो हफ्ते बाद। ठीक है ब्रो, चलें। कितने बजे मैच है अभी? अभी बस स्टार्ट होने जा रहा है, एक मैच हो गया और दूसरे का भी आईडी पास आ चुका है। चलें ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो? हाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लिंक भेज दें। हाँ चलो, मैं व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भेजा हुआ है ना, मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलो गाइज, इनके साथ लिंक किलर क्लोन। ओके ब्रो, किलर क्लोन भाई ओपी हो गया, ओपी के लिए आपकी टीम। बट थोड़ा सा एक बंदा मिसिंग था जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी थोड़ी इधर उधर होगी, तो चार बंदे पूरे करके आओ फिर इंशाल्लाह अच्छी गेम होगी। दो मिनट यार, मैं ये लिंक शेयर करता हूँ इन लॉन्डो के साथ, और आईडी पास भी लगाते हैं फिर। ओके यहाँ पे आईडी पास भी आ चुका है। यहाँ पे अपनी टीम भी खेली है चेगल के साथ। चलो चेगल तो निकाल लिया। ओके थोड़ा सा स्ट्रीमिंग लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं इनके साथ, ताकि सब के सब आएँ और फुल मज़े वाले सीन करें। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट आईडी पास पे आ चुका है, तो चलें जल्दी जल्दी से आईडी पास लगाते हैं। चलो ये लग गया हमारा आईडी पास, और हम फिर से रूम में आ चुके हैं। गाइस यार, इस दफ़ा दुआ करना कि ये सीन ना हो। हाँ जी कॉफिन ब्रो, बताएं यहाँ पे पीके पैन मैन आ चुके हैं, एफएस क्लैशर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आईपैक्स ड्रैगो हसीबुर रहमान द ओपी प्लेयर ऑफ पबजी मोबाइल लाइट, वेलकम टू अर लाइव स्ट्रीम। अरे बिग फैन, बिग फैन ड्रैगो भाई, बिग फैन, हम तो आपके बड़े वाले फैन हैं। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे अलोन क्लैशर भी आ चुके हैं। ISVR टीम यार टाइम पे पहुंच रही है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे दो बंदे जेके के आ चुके हैं, पीके वाले आ चुके हैं इस मैच में, पीके पैन मैन, पीके सोल्जर, पीके रिफ्लेक्स ओपी और पीके हंटर भाई भी आ चुके हैं। सो वेलकम पीके टू द सेकेंड मैच। पहला मैच मेरे ख्याल से इन्होंने मिस कर दिया और अब सेकेंड मैच में आ रहे हैं। क्लैशर वाले तीन बंदे आ चुके हैं, ISVR वाले दो बंदे हैं, और तीसरे ने भी ज्वाइन कर दिया है। SF वीर वाइटी भी आ चुके हैं, किलर सैम और किलर डेविल आ चुके हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द सेकंड मैच। मुझे प्यार है भाई किसी से। अच्छा कोई लौंडा ढूंढते हैं आपके साथ, आपके लिए कोई लौंडा वगैरह ढूंढते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। ये कौन करा रहा है टूर्नामेंट? ये हमारे इमदाद भाई करा रहे हैं, ISVR इमदाद भाई। ये इनका जो है ना एक चल रहा है सीज़न चल रहा है ना, तो सीज़न 12 तक पहुंच चुका है, 11 सीज़न ये हो चुका है, प्ले कर चुके हैं। हमने भी काफ़ी सीज़न खेले हैं, बट बीच में थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आता है, जो कि बंदे अवेलेबल नहीं होते, तो उसकी वजह से हम नहीं खेल पा रहे इस बार। दो तीन सीज़न और भी मिस कर दिए हमने, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे और फिर इंशाल्लाह मज़े करेंगे फुल टपा पर करके। यहाँ पे MP क्लैशर आ चुके हैं 57 लेवल के साथ, और ये इनकी DP क्या अजीब सी शो हो रही है। Anyone can gift me nightmare set? भाई मेरे पास तो है, मैं आपको पॉपुलैरिटी दे देता हूँ। अच्छा चलो स्कीम चलाते हैं, सबको पॉपुलैरिटी देते हैं। बिग फैन फ्रॉम माई बिग फैन। अरे मादी ब्रो वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। अजान हो रही है, छुप कर जाओ आप। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल। सो हेलो गाइस, आ चुके हैं वापस। अबू बकर महर प्रो बिग फैन, अरे बिग फैन वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। गेमिंग लवर, गेमिंग लवर वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। माती सुनो कैसे हो। फाइम अनस वेलकम टू लाइव स्ट्रीम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप। माती एंड प्रो इज माय लव। ओके ओके ब्रो, योर लव। थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, आईडी बस गलती से ओपन हो गया, लेकिन चलो ये अच्छे बच्चे हैं सारे स्ट्रीम पे, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। ब्रो ये आपका कोई तुर्किश क्लैन फ्रेंड है ब्रो, ढूंढ लेंगे, फ्रेंड्स बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपको क्या काम है, आप अपनी बात बताओ, उनको क्या कहना है मैं कह दूंगा आपकी तरफ से। मिस्टर पांडा हसीब मोटा भाई, ये बहुत बड़ा मोटा गेंडा है, खा खा के ना थक थकता भी नहीं है ये। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा वेट। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। ओके अल्तमश भाई, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी, आप हमारे भाई हो, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आप भेज देना, मैं स्ट्रीम के बाद एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं। 50 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं अभी तक। किलर की स्क्वाड इस दफ़ा पूरी है, किलर हान भाई ने ज्वाइन कर ली है टिल नाउ। SF की टीम अभी 2 बंदे कम है, और BB की टीम भी अभी पूरी नहीं हुई, एक बंदा उनका मिसिंग है स्टिल। वर्जे हता वर्जे आई नीड BC प्लीज। वालेकुम अस्सलाम अनस भाई, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। और गेमिंग और कह रहे हैं कि आई नीड BC प्लीज, इनको यार चंदा इकट्ठा करके ना 10 रुपये 20 रुपये, बल्कि जो मेरा तो आने वाली है किसी मस्जिद के कोने में बैठ जाना, किसी दरबार पे बैठ जाना, और फिर क्या करना, फिर मज़े करना। ओ भाई साहब, इस दफ़ा स्ट्रीम चल पड़ी है। ओके कंग्रेचुलेशन गाइस, अब हमारी स्ट्रीम फुल टपाटप चल रही है मज़े से। हाँ आप सही है गाइस, ये सब आपकी दुआएं यार। सेंड मी नेवर बाय VP प्लीज। भाई तू है ही नूब, मैं नूब लोगों से बात ही नहीं करता, सिंपल सी बात है, तू है ही नूब, तू इंतहा का नूब है। अगर नूबड़ों का मुकाबला किया जाए ना, उसमें भी तू लास्ट नंबर पे आएगा, मतलब ऐसे है। हसीब तो हवेली हसीब तुसी जाओ हवेली पे,
मिस्टर पांडा इज इनवाइटिंग यू टू हिज हवेली। अच्छा गाइज, जो जो भी स्ट्रीम पे न्यू है लाइक करो स्ट्रीम को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कल आना सेम टाइम पर कि इस टाइमिंग पे 6:50 पे पहला मैच होगा और 7:30 पर दूसरा मैच। इंशाल्लाह फुल टपाटप स्ट्रीम करेंगे और थोड़े से मज़े भी करेंगे। अच्छा क्या हो रहा है, स्ट्रीम तो सही चल रही थी भाई, ये क्या सीन है भाई, ये मुझे इसके नशे लग रहे हैं। अच्छा यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, चलो ISPR हक की आर पे आ चुके हैं, FS क्लैशर के लगता है टॉप पे कौन होगा गाइस बताएं। किलर सैम और K9 काला भाई, ये तो बहुत काला है काला। लाहौर टाउनशिप, यहाँ पे जोकर वाले अपनी ड्रॉप पे उतर चुके हैं और बाकी टीमें देखते हैं। यहाँ पे ये कहाँ जोकर वाले कहाँ जा रहे हैं, ISPR और टाइगर वाले यहाँ पे चर्च पे उतर चुके हैं, कैपरा वाले अपने ही ड्रॉप पे, पुराने वाले ड्रॉप पे स्टेडियम उतर चुके हैं, किलर वाले ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पे आ चुके हैं, 77 वाले वेयर हाउस पे जा रहे हैं, SF वाले तड़िल पे जा रहे हैं, BB वाले अपने ही ड्रॉप पे ओल्ड बेसन, और IQ वाले यहाँ पे सिंह डेल्टा पे लैंड करेंगे। वेयर इज़ PK भी साथ ही जा रही है, PK और BB की फाइट हो सकती है, बट यहाँ पे क्लैशर वाले किधर हैं भाई, वेयर इज़ क्लैशर ब्रो, कोई क्लैशर वाले नज़र नहीं आ रहे, कहाँ पे है क्लैशर वाले भाई, सब हवा में गायब हो गए फिलहाल के लिए। ब्रो भाई बिग फैन, अरे ब्रो वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। अब किसकी कॉल आ गई है, ब्रो भाई बिग फैन, मिस्टर वर्ल्ड गेमर वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, आई बस जोकर ब्रो वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। प्रोग्रेस रद्द हुआ है, 418 437 आओ 610 562 टोटल सुनने दी, हाँ 5625 थी, हाँ टोटल 60 और हेल्प नहीं सुनने दी, हेल्प क्यों दादा कम जो टाइगर 2 थी ना, टाइगर 3 थी और टाइगर 4 थी, सही था राजर दा। ओके सॉरी गाइस, एक छोटी सी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से हमारी स्ट्रीम भी इंटरप्ट हो रही है, हम भी तंग हो रहे हैं, बट कोई मसला नहीं, हम फिर से आ चुके हैं ISPR वहीद भाई के पास। ISPR वहीद भाई किधर भाग रहे हो यार, छत के ऊपर ही भागते जा रहे हो, बट मसला कोई नहीं है, हम कर लेंगे जो भी करना हुआ हमें। चलते हैं कैपरा के पास चलते हैं, कैपरा वाले स्टिल इन स्टेडियम। अबे भाई मैच के बीच में भी ये ग्लिच हो रहा है यार, पहले मैच ठीक स्टार्ट हुआ अब फिर से ये ग्लिच हो रहा है। किलर सैम भाई इधर अटके हुए हैं स्टेडियम उसमें अपार्टमेंट्स में, कभी दरवाज़ा खोल रहे हैं कभी बंद कर रहे हैं, और जोकर वासे ओपी यहाँ पे बगैर गन के घूम रहे हैं। अच्छा इनके पास आ चुकी है M416 लेजर्ड, सर प्लीज़ गिव अवे करें, आईडी पास ही दे देते तो मैं देता हूँ आईडी पास, सर करो ग्रुप में जो कारनामा किया हुआ है ना, सिर्फ 5-6 किल किए हुए तुम लोगों ने। गेम हो ऑन प्रे थकना, गेम ऑन है भाई, गेम ऑन है। चानी तेरी सिम के सिग्नल पूरे नहीं है भाई, यहाँ पे यही सीन है देख ले, यहाँ पे सिग्नल इतने ही आते हैं ऑफिस में ना, इतने ही आते हैं। अब मैं ड्यूटी में भी हूँ और स्ट्रीम भी कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ यार। तुम लोग अभी ये जो लाइट का बटन है ना, ये तुम ना बिल्कुल इसको वाइट कर दो, ये पहले से ना रेड होता है, आपने इसको दबा दबा के वाइट कर देना है। यहाँ पे कैपरा और टाइगर की फिर से फाइट, टाइगर WOK भी नॉक, यहाँ पे टाइगर किंग OP भी नॉक, कैपरा शाह को यहाँ पे टाइगर मतीन ने नॉक कर दिया, बट यहाँ पे ख़त्म हो गए टाइगर वाले ख़त्म हो गए प्रो। अच्छा फिर से आ चुके हैं, डेटा ऑन ऑफ करके भी अब देखते हैं कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता, स्टिल नो फायदा ब्रो, ये स्कीम आपकी बेकार है।
भाई यार इसका क्या किया जाए, जो इसकी स्ट्रीम ग्लिच होती है ना, इसके क्या सलूशन किया जाए? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आई क्यू जालिम ने यहाँ पे जेके वैम्पायर को डाउन कर दिया है। हम क्या स्ट्रीम थोड़ी ना करने आते हैं, हम तो गपशप करने आते हैं, वो हो रही है, हमारा मकसद पूरा हो रहा है, क्या करें। जेके लेजेंड ब्रो, आई क्यू जालिम ने डाउन कर दिया, आई क्यू बिल्लो ने जेके लेजेंड को फुल फिनिश कर दिया। और यहाँ पे आई क्यू वाले चाह रहे हैं, पिछले मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अभी वो अपना क्लास शो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम भी हैं, हम भी खेलने आए हुए हैं। तो चलो ये तो अच्छी बात है, अच्छा अच्छा परफॉर्म करो, अपनी टीम का नाम आगे बढ़ाओ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है भाई, ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। बट कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकालते हैं यार, हम तो बहुत कोशिश कर चुके हैं, बट जब तक है जान चलते रहेंगे इस पबजी लाइट के साथ। ऐसे लग रहा है कि रेडियो में मैच हो रहा है। हाँ भाई, रेडियो पे मैच हो रहा है, सुनो सुनो। जैसे हम ऑडियो सुनते थे ना, क्या होता था कि 2011 2012 13 14 ये जो टाइम चल रहा था, तब मैचेस वगैरह होते थे ना, तो अक्सर लाइट चली जाती थी, तो फिर हम मोबाइल पे रेडियो ऑन करके, क्योंकि इंटरनेट का इतना कंसेप्ट नहीं था ना, रेडियो ज़्यादा चलता था, तो रेडियो पे सुन रहे होते थे। अब की सिम का इशू होगा, मे भी नहीं ब्रो, सिम का इशू भी नहीं है। यहाँ पे एमपी वालों ने आई क्यू जालिम को मार दिया, शाह ने K9 काला को मार दिया, यहाँ पे एमपी क्लैशर ने आई क्यू क्रिश ओपी को मुकम्मल ख़त्म कर दिया, आई क्यू बिल्लो को नेट पड़ता हुआ, और जोकर वासे ओपी ने भी अपना हिस्सा डालते हुए आई क्यू जालिम को ख़त्म कर दिया। आई क्यू हमजा भी गया, K9 प्रो बाइटी भी गया, कैप्रा क्लोन के हाथों, कैप्रा अर्शिद के हाथों, K9 सीधा ओपी चला गया अपने घर वापस। इनके पैसे पूरे हो गए, अभी बाकियों के पैसे रहते हैं। जोकर की लाइन लगना शुरू, यार क्लेशर का बढ़िया नेड, वासी ओपी और रॉकी को लेके जाते हुए, इनके भी थोड़े से पैसे रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जोकर नगी भी यहाँ पे डीपी से नॉक हो गया एफएस क्लेशर के हाथों, क्लेशर वाले चाह रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या हुआ, एमपी क्लेशर मेरे ख्याल से बॉम्ब गिरने की वजह से नॉक हुआ, ये एक बहुत गंदी फीलिंग होती है यार, बहुत गलत फीलिंग होती है। एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था गोल्डन वुड्स में, जो आप टूर्नामेंट के मैच में रेड जोन से नॉक होते हो ना, और ऊपर से आपके थर्ड पार्टी हो जाए, तो फिर बंदे का दिल करता है कि मैं गेम छोड़ के कहीं दूर भाग जाऊं। बहुत दूर जाना पड़ेगा इसको। तो गाइस हमारा अभी 1 घंटे का स्ट्रीम पूरा होने वाला है, स्टिल 5 मिनट्स रिमेनिंग, और आप सब अपना प्यार दिखाओ। 77 डेवल ओपी ने कैप्रा शाह को, कैप्रा अर्शिद ने थोर को, कैप्रा क्लोन ने 77 डेवल ओपी को नॉक कर दिया। यहाँ पे लाइन लगी 77 की, एफएस क्लैशर ने फिर अपना अकाउंट खोलते हुए एक और किल अपने अकाउंट में कंफर्म करते हुए 77 टॉक्सी ने कैप्रा अर्शिद को नॉक कर दिया। यहाँ पे 77 भी ख़त्म, कैप्रा वाले अच्छा खेल रहे हैं गाइज, 77 को फुल फिनिश कर दिया इस बार। इस दफ़ा तो बिल्कुल गलत चल रही है स्ट्रीम, क्या पता थोड़ी बहुत सही हो जाए। कैप्रा क्लोन यहाँ पे भाग रहे हैं, ये साथ में पता नहीं कौन है, कैप्रा अर्शद है मेरे ख्याल से, और अभी भी थोड़ी टीमें बस लाइव है, 3-4 टीम्स हैं, बीबी के लाइव है और पीके की, जोकर वासे ओपी अभी रिमेनिंग था, और किलर डेविल ने उसका भी खात्मा कर दिया। किलर डेविल ओपी इन द चैट गाइस, कैप्रा ओपी इन द चैट, अच्छा खेल रहे हैं गाइज, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 77 वाले चले गए हैं, अच्छा खेले उन्होंने, अच्छी फाइट खेली है, बस थोड़ा सा ये होता है ना 1v1 सिचुएशन में, फिर बहुत गलत हो जाता है, जब आपके 3 नॉक हो, सामने वाले की भी 3 नॉक हो, और फिर 1v1 में आप हार जाओ, तो ये बहुत गंदी फीलिंग आती है बंदे को। बंदा खेलता है थोड़ा सा यार, थोड़ी सी हेल्थ होती मैं उसको लेके जा चुका होता। बट ये तो स्क्रिम्स हैं यार, 14 मैचेस हैं, 7 दिन चलता रहेगा टपाटप करके, अभी तक फाइट नहीं हो रही। चलो अब बाकी रेस्ट कर रहे हैं, हील फील मार रहे हैं, और जोन की तैयारी, रिस्ट्रिक्टिंग द प्ले जोन इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड रह चुके हैं प्ले जोन में। अबे भाई साहब, इस दफा जोन कहाँ पे बन रहा है, जोन तो काफ़ी गलत बन रहा है यार, पहाड़ी पे बन रहा है, साथ में चर्च भी आ रहा है, और ये नीचे जो एरिया है चर्च का, ये भी वैसे अच्छी अच्छा जोन है, लेकिन अगर पहाड़ी पे बनता तो फिर बहुत गलत हो जाता।
फिलहाल किलर वाले जोन के अंदर हैं, आईक्यू वाले भी पहुंच रहे हैं जोन में, आईएसपीआर वहीद भी काफ़ी करीब है, कैपरा वाले आउट ऑफ जोन, बीबी वाले आउट ऑफ जोन, बीबी और पीके वाले भी आउट ऑफ जोन, आईएसपीआर वाले मेरे ख्याल से किश्ती से आ रहे हैं, किश्ती भाई साहब बोट, बोट इज ऑलवेज ओपी। आज फिर वहीद भाई के पास है मिनी 14 में से अच्छा एक डीएमआर वेपन है, तो काफ़ी अच्छी गेम होती है इससे, लॉन्ग शॉट्स तो बहुत बढ़िया है मिनी के और डैमेज भी अच्छा है। इन्होंने ये वाला एरिया होल्ड करके रखा हुआ है, बीबी स्काउट भाई नीचे गिर गए और नीचे गिर के उनकी टांगे शांगे टूट गई हैं, घुटनों पर आ गए हैं फिलहाल, तो लेट्स सी कौन उसे रिवाइव कर पाता है या वो जोन में जाते हैं अपने बंदे इनके। ये अल्लाह इस पबजी लाइट वालों को हिदायत दे ताकि ये अपनी जो है कैपरा क्लोन के पास 6 किल ओपी हो गया गाइस। क्लच गॉड बीबी क्लच गॉड कहाँ पे है? अच्छा यही नॉक हुए थे अभी, ये मेरे ख्याल से गाड़ी से गिरे हैं जितना मुझे लग रहा है। अजीम क्लैशर ने कैपरा क्लोन कैपरा शाह और कैपरा अर्शद की गाड़ी ब्लास्ट कर दी। हो भाई साहब कैपरा वाले तीनों गए एक ही उसमें, अजीम ने भाई सब गाड़ी फोड़ दी, कैपरा शाह को एयर क्लेशर ले गए और यहाँ पे बीबी स्काउट भाई भी अपने दम तोड़ चुके हैं। एसपीआर वही था, एसपीआर हसीब को डाउन कर दिया प्ले जोन से बीबी स्काउट जाते हुए, किलर सैम के पास है M4 लिजर्ड और जिससे बंदे मार रहे हैं धड़ाधड़ करके। एसपीआर आरपीजी को किलर डेविल ने AWM का शॉट दिया है, ओपी भाई ओपी गुड हो गया। Why our stream is getting interrupted? JK Beast or Love from Stranger? Okay, bro, Stranger bro, nice. और यहाँ पे किलर डेविल को DP के द्वारा SF वीर वाइटी ने फिनिश कर दिया। चले वीर वाइटी के पास भी एक किल आ चुका है। और सेल स्ट्रेंजर वाइटी वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, कैसे हो आप? यस ब्रो आई विल से ऑलवेज ओपी। ओके गाइस तो यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम हृदय मंदे यहाँ पे एक चिकन आ ओके गाइस यहाँ पे चिकन हो चुका है क्लैशरी स्पोर्ट्स का 16 किल्स के साथ बहुत ज़बरदस्त। SF दूसरे नंबर पे 1 किल के साथ, किलर वाले 3 किल के साथ तीसरे नंबर पे, चौथे पे 2 किल के साथ JK, ISPR 2 किल के साथ, पांचवे BB 0 किल के साथ, छठे सातवें पे हैं ISPR और आठवें पे हैं कैपरा और ये हैं 15 किल के साथ OP। यहाँ पे 9 पे हैं PK वाले 0 किल के साथ 2 किल के साथ, जोकर वाले 10वें नंबर पे, 11वें पे 77 विद 0 किल्स, 12 पे K9 टीम के 9 1 किल के साथ और IQ वाले 3 किल के साथ, बाकी आखिरी किल टाइगर मुजफ्फर वाली टीम के पास। तो चलो बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग हुई है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 6:50 पे, इंशाल्लाह 6:50 पे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।